फ्रेंड, आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। खूब कम सामान में देखिए, ये सब सामान है मतलब घर के अंदर सब कुछ मिल जाता है, उसी चीज़ में हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा। उसके लिए जो सामग्री है वो है आधा किलो चिकन, फ्रेश चिकन है ये, और ये मसाला सब कुछ है। इसके लिए एक अंडा चाहिए, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी एक चम्मच, और ये आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, चिकन मसाला एक बड़ी चम्मच, और ये गरम मसाला चुटकी भर, और ये कॉर्नफ्लोर लाइव में, ये देखिए मार्केट से मिल जाता है आसानी से, बोले। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये राइस फ्लोर है, पेस्ट बनाया है राइस जो मार्केट से मिल जाता है चावल, उसको ग्राइंडिंग करके बना हुआ है ये। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसके लिए पहले ये नमक डालेंगे, और ये हल्दी, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, और ये गरम मसाला, इसके दो बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसके बाद ये राइस फ्लोर एक दो बड़ी चम्मच, कॉर्न फ्लोर, पूरा उसके अंदर डालेंगे, एक और ये मिर्ची पाउडर, जितना आप तीखा खाते हैं उतना ही आप डालेंगे इसमें। उसके बाद हम ये मिक्स करेंगे अच्छे से, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी क्या करेंगे, उसको आधा घंटे के लिए उसको फ्रीज में रखेंगे मैरिनेट के लिए, अच्छे से ये सेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको तलेंगे। हो गया है मैरिनेट होने के लिए, छोड़ दिए थे उसको, ये देखिए अभी मैरिनेट हो गया, उसको हम अभी फ्राई करेंगे। और उसके लिए हम कढ़ाई लेंगे और थोड़ा सा सरसों तेल उसमें डालेंगे। ये सरसों तेल मैं इसीलिए डाल रही हूँ, सरसों तेल का जो स्वाद है चिकन में, खुशबू उसका बहुत बढ़िया है। तेल हमारा अभी मीडियम हीट हो गया है, ज़्यादा इसको हीट नहीं करेंगे, नहीं तो चिकन अंदर से वो ठीक से नहीं हो पाएंगे, इसीलिए मैं इसको मीडियम हीट पे ये चिकन को डाल रही हूँ। डालते समय गैस का जो फ्लेम है उसको लो मीडियम पे रखेंगे। इसको हम अभी पलटाएंगे, जिसे साइड करेंगे उसको फ्राई, देखिए कितना अच्छे से इसका कलर आ गया। मैंने उसमें कुछ भी कश्मीर लाल मिर्ची या फिर फूड कलर कुछ भी नहीं डाली हुई, देखिए कितना अच्छे से उसका कलर आ गया। परफेक्ट हो गया चिकन पकौड़ा, तो हम अभी निकालेंगे। ये हो गया हमारा चिकन पकौड़ा, इसको सर्व करने के लिए प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची और ये सॉस।